बा हमारे जवन कैला तू सैया राते अब हिले दुखा तू बाते विरहा के श्रोता साथियों, आज हम विरहा गायक रामराज मौर और साथियों की आवाज में समा फिल्म रिकॉर्डिंग कंपनी के माध्यम से एक विरहा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वैसे विरहा तो आप लोग बहुत सा सुने, भक्ति रस, वीर रस, लेकिन आज पूरे देश में जो एक चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है, एक कुख्यात बदमाश विकास दुबे का जो अंत हुआ है उस पर आधारित विरहा, उसके ऊपर जीवन पर जो आज सबके बीच में आ रहा है, हम इस गीत को आपके बीच में ला रहे हैं। चार लाइन भूमिका के माध्यम से कवि जी लिखते हैं और समाज के प्रति एक चित्रण देकर। कैसे मास्टर? कोई ज्ञान बल रतन संपदा मानो जीवन बिताता है उपकार में, निर्बल गरीबों का बन के मसीहा यश कीर्ति कमाता है संसार में, वही जोर बाजू में पाके उझलता बेगुनाहों के ऊपर ढाता सितम, चर्चा विकास दुबे का करता हूँ मैं जो जरायम की दुनिया में रखा कदम। गौर करेंगे बाबूजी, इस दुनिया में, इस समाज में बहुत ऐसे लोग पैदा हुए जो इंसान होता है अगर धन बल रुपया पैसा से मजबूत हो गया तो गरीब असहाय का मदद किया करता है, लेकिन जो दुष्ट प्रकृति का होता है वह जब ताकत और बल धन पा जाता है तो बेगुनाह गरीबों मजलूमों को सताने का काम करता है। यहाँ एगो कव्वाली का टुकड़ा लग गया। कैसे मास्टर? वाह 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 वाह।
बड़ी खूबसूरत लाइन बाकी से मास्टर। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत के राहों में आकर तो दे अगर जलना है तो दीपक बनकर के जलो, इसलिए कहना है जो जलता है जग में, जो जलता है जग में दिए के तरह से अमर ज्योति की उनको मिलती है आधी, अमर ज्योति की उनको मिलती उपाधी, अमर ज्योति बुझती उसे बदुआओं की याद, बुझाती उसे बदुआओं की याद, बुझाती उसे बदुआओं की याद। कहा जाता है कि जो दीपक की तरह जलता है उसे अमर ज्योत की उपाधि दी जाती है, और अगर अंगार के लपट की तरह जलता है तो उसको बुझाने में गरीबों मजलूमों असहायों के बदजुबानी लगती है। यही से बिरहा का शुरुआत बकैसे मास्टर। सजा को पाता है अपराध को कोने वाला, माता बहनों के सिंदूर को धोने वाला, खून का खेल खेल जाता है जो जेलों में, वह भी नाश होता है खून के ही खेलों में, पुत्र श्री राम कुमार दुबे का विकास हुआ, बिकरू गांव में ही खेल कर बदमाश हुआ, बनाकर गैंग वह रहता था होशियारी से,
किया था जबरी शादी रिचा कुमारी से। बंदुरदांत विकास दुबे आगे जो पढ़ने लगा, हाकी खा विकास संरक्षण मिलने लगा। दिखाया शान, दिखाया शान राजनीत में मनमानी का, चुनाव जीत गया जिला पंचायत प्रधान का। पुलिस दरोगा को इशारे पर घुमाता था, रोटी बोटी काली कमाई खिलाता था। एक एक लाइन पर गौर करेंगे बाबूजी, बिरहा अपने आप समझ में आ जाएगा। इस कहानी से, इस घटना से लगभग सब लोग वाकिफ हैं। पेपर और टीवी के माध्यम से सब लोग विकास दुबे के करनी और करतूत के बारे में जान चुके हैं, लेकिन कहना है कि उसके इशारे पर पुलिस प्रशासन के लोग काम किया करते थे। खाकी और खादी दोनों का संरक्षण उसके ऊपर था। इतना बड़ा खूंखार बदमाश जो आज विगत कई वर्षों से कई सरकारों में रहकर बताया जाता है, यहां तक कि किसी मंत्री को भी गोली मार दिया था, उसके खिलाफ कोई गवाह कोई सबूत नहीं मिला था। ए बाबू, बड़ी बेजोड़ लाइन बा। उत्तर प्रदेश कानपुर में चारों तरफ तहलका मचल बा। एक थे भोजपुरी के गीत लग गए, कैसे मास्टर जो बिरहा का बड़ी पुरान गीत हो, गवैया लोग गाँव है कैसे हर गवन करा क्या पिया दगा दे के भागल हो। अत्याचार चरण सीमा पर बढ़ गया। अपने गुर्गों को भेजकर कितने लोगों का जमीन कब्जा कर लेना, जमीन अधिग्रहण करने का काम, फिरौती लेने का काम, इस तरह से तमाम तरह से नाजायज धन
का धन का उगाही करता था। चारों तरफ तो हल्का मचा हुआ है। अगर कोई इनके खिलाफ थाने में FIR रिपोर्ट दर्ज कराने जाता था तो थाने के अंदर विकास दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ करता था। ए बाबू मन बढ़त गई और तमाम केस बताया जाता है कम से कम 60 ऐसी केस उसके नाम से दर्ज था। कोई प्रशासन का अधिकारी उसके खिलाफ नहीं जाता था। लेकिन एगो CO साहब बताया जाता है जिनका नाम देवेंद्र मिश्र है, वह जो है भूमिका बनाए और अपने बहुत सारे साथियों को फोर्स लेकर के जब बिकरू गांव के तैयारी कैलन हो इठे गीत लग गए मास्टर यहां मेहरारू अपने सैया से कह दिया कांवर लेके बाबा धाम जाए तैयारी के लिए। एक चीज का बड़ा डर हो गए का जाना है कंवरियन के पीछे बना रहे थे अपने फोर्स को बुला करके तैयारी बना रहे थे। इतने में एक गद्दार चौबेपुर थाने का जो SO थानेदार था वह मुखबिरी कर देता है विकास दुबे को। बतावल जला वो पहले ही खबर दे दिया और खबर दिया तो हुआ क्या, SO चौबेपुर से विनय तिवारी बतलाए विकास को तभी सकी तैयारी चल गया विकास दुबे को कि कल जो है रात में हमारे वहां CO साहब अपनी फोर्स लेकर के छापा मारने वाले हैं। पहले ही अपने गुर्गों को अपने साथी अधिकारियों को बुला लिया, जो भी उसके शूटर गनर थे वो अपना अपना असलाहा लेकर के बाबूजी बताया जाता है किले जैसा उसका घर चारों तरफ से नाके नाके पर अपना तैयार हो जाते हैं। और 8 बजे रात के जब CO साहब बिकरू गांव में
हॉर्स लेके घुसे वाला हूं मैं तो मेन रास्ते पर बुलडोजर, कुछ लोग बताते हैं जेसीबी खड़ा कर दिया, जिससे गाड़ी रोक करके अकेले जाना पड़ा सबको। जब एक एक करके आगे जाते हैं, कहीं छुपने का कोई जगह नहीं है, चारों तरफ से ताबड़तोड़ धुआंधार गोली चलने लगती है। इतनी एक बिरहा में लाइन बदल गई, चौरड़िया खजर जो बारी उमर कमर लचकनिया गोरी भरनी हुर के पनिया से, टीवी के माध्यम से देखा गया है, समाचार मिला कि जिस समय सीओ साहब गांव में पहुंचे, बिजली सप्लाई पूरे गांव की कटवा देता है विकास दुबे, और चारों तरफ से ताड़ की गोली चलने लगती है ताबड़तोड़ गोलियां में। पुलिस के नौजवान, न कोई छिपने का जगह मिल रहा है, न कहीं से कोई निशाना लगाने का जगह। नतीजा क्या हुआ ए बाबू? अनगिनत गोली चलती है, जिसमें सीओ साहब के साथ 8 और पुलिसकर्मी वहीं दम तोड़ देते हैं और कुछ घायल भी हो जाते हैं। यही तनी करुण भाव लग गया। वाह हरे खूनवा से लाल भैली गांव के धरतीया रहे पापी गोलिया
सवेरा हुआ, चारों तरफ खबर गया है, जितने पुलिसकर्मी शहीद होते हैं उनके घर विधवाएं बेचारी सिंदूर को धो देती हैं। कोलाहल मच गया चारों तरफ, हाहाकार कि दुनिया का रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, हर गांव की रक्षा, हर व्यक्ति की रक्षा करने के लिए पुलिस प्रशासन हुआ करती है। आज जब हमारे देश में पुलिस प्रशासन, पुलिस के लोगों पर गोली चलाई जा रही है, तो भला देश की रक्षा कौन करेगा? आज सीओ के साथ कितने सब इंस्पेक्टर, कितने चौकी इंचार्ज और कितने कितने जगह थे, सारे लोग गोली से मार दिए गए। बिरहा में ही टेरी की लाइन लग गई। हर रखवारी कैसे होगी देश की, हर रखवारी कैसे होगी, रखवारी कैसे होगी देश की, श्रद्धा सुमन समर्पित करती दुनिया सारी, रखवारी कैसे होगी। शासन के लोग आकर बुलडोजर चलवाए हैं, विकास दुबे का मकान गांव में गिरवाए हैं। हे बाबू, प्रशासन के तमाम फौज के लोग, चारों तरफ से सत्ता के लोग दौड़ना शुरू कर दिए और पुलिस प्रशासन के लोग आकर के विकास दुबे का बुलडोजर चलवा के घर गिरवाते हैं। और इतना ही नहीं, बताया जाता है तोड़ी गई सब खड़ी गाड़ियां, जितनी दरवाजे पर गाड़ियां है, बताया जाता है विकास दुबे जब चलता था तो 10-5 गाड़ी आगे पीछे उसके चलती थी, तोड़ी गई सब खड़ी गाड़ियां। विकास दुबे फरार हुआ, गिरफ्तार करने खातिर प्रशासन भी तैयार हुआ, कुछ गुर्गे मारे गए पुलिस कर्मी के गोली से, कहीं कहीं मुख भेड़ हुआ बदमाशों की टोली से। बताया जाता है कि कुछ गुर्गे जगह जगह पर विकास दुबे के चाचा, मामा, भतीजा ऐसे करके तमाम कुछ सहयोगी उसके और कुछ नौकर चाकर जितने थे पकड़ करके जेल में गिरफ्तार किए जाते हैं। और अपने भाग के फरार भयल तो पता कहाँ चलल, यहाँ पापट के अंदर लिखल गया। मामा विकास दुबे उज्जैन नगर में हर आया बचने के खातिर, आप महाकालेश्वर मंदिर में पकड़ाया बचने के खातिर, उज्जैन में जाकर पकड़ा जाता है। और मध्य प्रदेश के पुलिस वालों से एक बयान देता है, का बतौले रहल, अरे मध्य प्रदेश के पुलिस से बोला, मैं विकास दुबे जुझारा हूँ, अरे यहाँ पुलिस कर्मी को हमने मौत के घाट उतारा हूँ। वही विकास दुबे कानपुर वाला हूँ जो 8 पुलिस वालों को हमने मौत के घाट उतार दिया। इतना सुनने के बाद भाईल का, अरे हाँ मेरे ऊपर महाकाल की छाया बचने के खातिर, अभी तक मुझसे कोई पार न पाया बचने के खातिर। कालेश्वर बाबा का आपदाया है और आज तक मुझसे कोई पार भी नहीं पाया है, लेकिन पकड़ गईला के बाद जब खबर आई बा यूपी से, यूपी के एसटीएफ के जवान जाते हैं उधर से मध्य प्रदेश के पुलिस, एमपी के पुलिस ला करके उसे सौंपने का काम किए, आल्हा के अंदर लिखा गया बा मास्टर। हर यूपी का फौर
देवरिया हर महाकालेश्वर मंदिर चौकसी लगा रास्ते में विकास दुबे बताया कि हमें तुम पकड़ कर ले जा रहे हो लेकिन बंद नहीं कर पाओगे, मेरे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं, कोई गवाह मिलेगा ही नहीं, और इतना नहीं वो गोली जो चली थी वो मैं नहीं चलाया था, हमारे कुछ गैंग के लोगों ने चलाया था। ये सारी बात बताता हुआ रास्ते में आया है और जब कानपुर शहर में पहुंचा पुलिस वालों के विचार में भाव में कुछ परिवर्तन हुआ, इसे अगर हम जिंदा कोर्ट में देंगे तो ये छूटेगा नहीं, शासन सत्ता और बड़े बड़े लोगों का इस पर दबाव होगा। तो जब पुलिस से दुश्मनी लेबा तो हस्त्र बड़ा गलत हुई, कई लंका गाड़ी पलट गई, पलटले के बाद कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, एक दरोगा के रिवाल्वर लेके भागल चलन पुलिस वाले, इतने में गोली चला दी। जब गोली चलौलन तो भाई खा हर विकास कलम चलन नाही महागम चली विकास कलम चलन नाही देखा कोनो चली एसटीएफ के जवानों ने गोली चला करके एनकाउंटर करने का काम किया, इस दुनिया से चला गया। जब पाप का घड़ा फूट जाता है तो ऐसे ऐसे अन्यायियों का यही हश्र होता है, प्रमाण मिलता है रावण जैसे अत्याचारी नहीं रह गए तो विकास दुबे किस खेत की मूली है। शासन सत्ता की बलिहारी, आखिरी में कहना हो विकास दुबे का फूटल पाप के गगरी अगले दुनिया छोड़ अकेले
कुछ न गई न सनहरी गईले दुनिया छोड़ी लकेले कुछ न गईले संहरी 2020 10 जुलाई को विकास दुबे कहीं कहीं नाम आता है विकास पंडित भी लोग कहते हैं अर्जुन पंडित का दर्जा देते थे उसका अंत हुआ 8 शहीद हुए नौजवान सीओ समेत उनके आत्मा को शांति मिलती है जब विकास दुबे को इनकाउंटर में मारा जाता है बाबा। और अब जारी है चारों तरफ अभियान जारी है जांच शुरू हो गया है जितने भी गुंडे और गुर्गे होंगे उसके सारे लोग पकड़े जाएंगे तो कहना हो हरे ये पराधीन के खैर नाही हर शासन भइले टाइट हर दंग फसाद नहीं हो पाई राइट गईले दुनिया छोड़ ले गेल कुछ न गईले संहरी शासन सशक्त सदा रही जांच भइल बाजारी समर्पित उनको हर धन वीरों की बलिहारी हो रखवारी कैसे होगी देश की मौर्य राम राज कह भी रहा मैं लड़का